आज जो हमारा विषय है वो हाउ टू मेक भावचलित चार्ट, केपी चार्ट हम जिसे कहते हैं, वो हम मैन्युअली किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपनी पेन और पेड़ भी साथ में रखें, ताकि कुछ कैलकुलेशन है थोड़ा थोड़ा हम साथ में करते जाएंगे छोटे छोटे, तो आपको समझ में आएगा कि वो भावचलित जो है चार्ट वो किस तरह से बनता है। आपने देखा होगा कि केपी में दो चार्ट यूज करते हैं, केपी में एक लग्न चार्ट होता है और एक भावचलित चार्ट, जिसे हम केपी चार्ट भी कहते हैं और भावचलित चार्ट भी कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, चार्ट आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, हम एक मिनट आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम यहीं से शुरुआत करें। ये चार्ट आपको विजिबल है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे, देखिए एक लग्न चार्ट है यहाँ पे, ये लग्न चार्ट है, ये आप दिख रहा है, ये लग्न चार्ट है, हाँ वृषभ राशि से वृषभ लग्न है, दो तीन चार, ये लग्न चार्ट है। ये प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, प्रश्न है ना उस समय अनम्यूट करें आप, जब प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पीछे से थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ मैं जोर से बोलूंगा, आप सब म्यूट रहें, ठीक है, अपना ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आवाज आपको अच्छी तरह से सुनाई दे। बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? सर मैं 5 मिनट में ऑन करती हूँ कैमरा, मैं थोड़ा सा आरती कर रही हूँ। जी जी आरती कीजिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखिए आप लग्न चार्ट जो है, यहाँ देखिए आप वृषभ लग्न है, ये देखिए मिथुन कर्क, ये लग्न चार्ट है और ये भावचलित चार्ट है बाजू में, ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ आप देखोगे ना, देखिए वृषभ लग्न है दूसरे भाव में तीसरी राशि है, यहाँ पर भी दूसरे भाव में तीसरी है, यहाँ तीसरे भाव में चौथी राशि है, तो यहाँ तीसरी राशि थी, कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये तीसरी राशि यहाँ पर कंटिन्यू है, तो यहाँ तीसरे भाव में भी तीसरी राशि है और चौथी राशि देखिए यहाँ आ गई चौथे भाव में, है ना, देखा आपने चौथे भाव में चौथी राशि है, मगर यहाँ देखिए तीसरे भाव में चौथी राशि है लग्न चार्ट में, और भावचलित में चौथी राशि चौथे भाव में आ गई। उसी तरह आप देखोगे यहाँ मंगल तीसरे भाव में है और चौथी राशि में है, तो यहाँ चौथे भाव में आ गया मंगल। जी सर। हाँ फिर ये पांचवी राशि यहाँ पर है चौथे में, तो इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ पांचवी राशि यहाँ पर आ गई पांचवें भाव में, यहाँ छठी राशि है, ठीक है, पांच के बाद सीधी सातवीं राशि, यानी कि छह सात होता है, छह सात है ना, ये छठी राशि ही नहीं है, गायब है, पांच के बाद सीधी सातवीं राशि है, फिर आठ, फिर नौ, यहाँ दस, यहाँ पर भी नौ है, ठीक है, जहां पर जो लिखी नहीं है राशि, तो ये राशि कंटिन्यू है, तो आठ और नौ में दोनों में नौवीं राशि है यहाँ पे भावचलित में, और यहाँ पे आठ में और नौ में दसवीं राशि है, फिर ग्यारहवीं राशि है, तो यहाँ दसवें भाव में दसवीं राशि आ गई, ग्यारहवें में ग्यारहवीं राशि, और फिर यहाँ देखिए बारहवीं राशि नहीं है, यहाँ दिख रहा है आपको चार्ट में, बारहवें भाव में पहली राशि आ गई यहाँ, तो यहाँ बारहवें भाव में पहली राशि है, मगर यहाँ ग्यारहवें भाव में जो है बारहवीं राशि है, तो यहाँ बारहवीं राशि गायब है। तो ये कैसे होता है उसे हम मैन्युअली देखेंगे, ठीक है। तो अपने पास आप नोटपैड और एक पेन बाजू में रखिए, थोड़ा छोटा कैलकुलेशन जो है वो हम साथ साथ में करते हैं। ये सर इसमें सर एक बात ये पूछनी थी, जो जो आपके वैदिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी जो भावचलित देते चार्ट वो यही चार्ट होता है? नहीं भावचलित देते, हाँ वो भावचलित चार्ट वही रहता है ना, जब कुंडली बनाओगे ना तो एक एक लग्न राशि लग्न चार्ट रहेगा, जिसे हम राशि चार्ट भी कहते हैं जी, दूसरा भावचलित चार्ट आता है। इसलिए जैसे ये केपी में तो भावचलित है ही, ये वाला जो जो वैदिक जो सॉफ्टवेयर में भावचलित चार्ट आता है वो यही चार्ट आता है? यही चार्ट आता है भावचलित चार्ट, केपी में कष्ट चार्ट बोलते हैं ना हम, हाँ जी, जिसे हम भाव
इसमें भाव देखते हैं, इसलिए उसको भावचलित कहते हैं। तो सर ये भावचलित में, भावचलित में मून की राशि बदल जाती है तो वो उसका यूज नहीं किया जाता है? नहीं, वो लग्न चार्ट से देखा जाता है। लग्न चार्ट से राशियों को आप देखोगे लग्न चार्ट से। अच्छा, प्लैनेट की जो कंडीशन आपको देखनी है वो आप देखोगे भावों से। भाव से रिलेटेड जो भी आपको देखना है वो आप भावचलित से देखोगे, और राशि देखना है तो आप लग्न चार्ट से देखोगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, मगर ये अभी डिफरेंस क्यों आया वो हमें जानना है यहाँ। तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, एक डिटेल देता हूँ, वो भी आप एक चार्ट बना लीजिए। आपके पास मोबाइल है तो एस्ट्रो सेज में भी बन जाएगा, या जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें मैं आपको डिटेल देता हूँ, वो आप डाल दीजिए। और एक चार्ट आप अभी बनाइए, यही वाला, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ बर्थ डिटेल दी हुई है, वो आप एक चार्ट बनाइए आप भी। जी सर, आपके पास सामने रहेगा तो थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग में इजी रहेगा। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा है 20/11/1994, दिख रहा है सबको, विजिबल है? हाँ सर। हाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1994, टाइम है शाम को 5:42 PM, यानी शाम को 5:42, और प्लेस है हैदराबाद। फीमेल का चार्ट है ये, 20/11/1794, 1742। हाँ जी, 1742 टाइम है और हैदराबाद। आप चार्ट बनाओगे ना तो ये इस तरह से चार्ट आपको मिलेगा। ये राशि चार्ट है, वृषभ लग्न है, मून है यहाँ पहले भाव में, दूसरे भाव में तीसरी राशि है मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरह से ये चार्ट आएगा आपके सामने, लग्न चार्ट। देखिए सबका हो गया तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग एक चार्ट बना लीजिए, वही चार्ट है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर किया ना केपी स्टार वन में, वही है। आप एक बार देख लीजिए लग्न चार्ट और भावचलित चार्ट, दो चार्ट हमारे सामने आएंगे। आप एक केपी स्टार वन से बनाओगे तो भी वही आएगा, और एस्ट्रो सेट से आप बनाओगे ना मोबाइल में, यदि आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है साइड में तो उससे आप बना सकते हैं। हाँ, तो ये पहले आप चार्ट बना लीजिए, तक उसमें फिर आपको डिटेल देखने को थोड़ा इजी होगा। हमें मैन्युअली किस तरह से उसे बनाना है, देखिए सॉफ्टवेयर ने आपको बना के दे दिया है, जैसे हमने स्टार वन में भी देखा जो सॉफ्टवेयर में, तो उन्होंने बना के तो हमें दे दिया है, मगर हमें ये प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए। ये अच्छा सर, नेम पूछ रहे तो नेम में क्या डालना है? नेम पूछ नहीं, एक्स वाई जेड डाल दीजिए, एग्जाम्पल चार्ट डाल दीजिए। ये सर इसके एस्ट्रोसेज चले, मैं तो सेकंड में केतु आ रहा है, ये आपके फर्स्ट हाउस में केतु दे रहा है, मून नहीं दे रहा है। वो देखिए टाइमिंग देख लीजिए आप अच्छी तरह से, पहला वाला तो सही है, मेरा तो ठीक आ रहा है, सबका ठीक आएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर गलत थोड़ी देगा, टाइमिंग में कुछ गलत होगा तो पहले भाव में मून है, वृषभ राशि है, वृषभ लग्न की राशि है, वृषभ लग्न है, शाम को 5:42 है राकेश जी हैदराबाद। जी सर, जी सर, 20 तारीख है, 20 नवंबर 1994, एक बार चेक कर ले सब। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे लग्न चार्ट बनाया है वो आप देख ले, और मैंने आपको स्क्रीन में भी दिखाया अभी भाव केपी स्टार वन में, वो चार्ट बनेगा आपसे। वो तो है सर, लग्न चार्ट तो ये बोल रहा है, चलित चार्ट में चेंज आ रहा है, चलित में चेंज आएगा, वो क्यों चेंज आता है सॉफ्टवेयर ने अपने हिसाब से बना के दे दिया है, मगर हमें वो पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। जैसे कि देखिए तीसरे भाव में तीसरी राशि है भावचलित में, और तीसरे भाव में भी तीसरी राशि आ गई, जबकि लग्न चार्ट में चौथी राशि है। ठीक है, भावचलित में तीन है, ये चौथी राशि आगे चलेगी फोर्थ हाउस में, तो ये क्यों हुआ? और मार्स भी देखिए यहाँ तीसरे भाव में है ना लग्न चार्ट में, तो वो चला गया फोर्थ हाउस में, फिर यहाँ छठी राशि गायब है, देखिए यहाँ है ना 5 के बाद 7 है ना, ये देखिए नीचे भावचलित में, तो ये क्यों हुआ? सॉफ्टवेयर ने बता दिया, क्या आपको पता है? तो ये हमें जानना है मैन्युअली निकाल के, सॉफ्टवेयर जो भी देखिए आपको
यहां तक आगे जाना कि आप सॉफ्टवेयर को बता सके कि भाई ये तेरी गलती यहां हो रही है, समझ गए पूजा जी, राकेश जी? जी सर। तो हम बता सके सॉफ्टवेयर वाले को कि भाई देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर है, यहां गलती कर रहा है, यहां पे आप सुधार करें। हमें वहां तक जाना है, हमें ये मैन्युअली पता होना चाहिए टेक्निकली कि ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है। क्योंकि देखिए आपको थियरी मालूम, पूरा मालूम है आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मालूम है, तो आप कितने भी कार्ड चार्ट बना सकते हैं ना फिर। जी सर। सर एस्ट्रो सेज में बहुचलित कुंडली नहीं आ रही है, राशि कुंडली आ रही है। नहीं, दोनों आएगा। देखिए एस्ट्रो सेज में भावचलित भी आएगा और उसको आप थोड़ा स्मूथ करो, चलित में दिखेगी उसमें ऊपर लिखा होगा। चलित में देखिए, शायद चलित में दिखेगी एस्ट्रो सेज में। एस्ट्रो सेज में राशि चार्ट और चलित चार्ट ऐसा लिखा हुआ आता है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, स्क्रीन आप चेंज करें फिर थोड़ा, ऊपर लिखा हुआ रहेगा, अलग स्क्रीन पे रहेगा। हाँ जी, आगे बढ़ूं? हाँ। अभी जो सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है ना, मैंने यहाँ चार्ट पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एक मिनट, मैंने जो है ना यहाँ लिखा हुआ, ये जो है ना यहाँ, ये जो लिखा है देखिए, ये भाव है, यहाँ भाव लिखा हुआ है, ये पहला भाव, पहले भाव की डिग्री कितनी आप देखिए आपकी उसमें 35 भाव की, भाव का जो डिग्री का लिस्ट रहेगा पूरा, 1 से 12 कस्प रहेंगे ना उसकी डिग्री होगी। एस्ट्रो सेज में देखिए आप, राकेश जी, पूजा जी, जी सर, एस्ट्रो सेज में आप देखिए जो 12 भाव हैं उसकी डिग्रियां लिखी है 35, 62, 87 देखिए उसमें, देखा प्लैनेट की डिग्री रहेगी पहले पेज पे, उसके बाद वाले पेज पे आप चले जाओगे ना एस्ट्रो सेज में तो पूरे भावों की डिग्रियां लिखी है उसमें, देखिए लिख रहा है आपको। यस यस सर। वो मैंने यहाँ चार्ट पे लिखा हुआ है आपको, ये दिखने के लिए इजी रहे इसलिए, यहाँ देखिए तो उसमें पहले भाव की डिग्री जो लिखी है ना 35 डिग्री 47 मिनट बराबर है, वो मैंने यहाँ लिखा है। फिर दूसरे भाव की डिग्री है 62 डिग्री 33, ये दिख रहा है आपको यहाँ, देखिए वो सेम है ना, वही जो वहां पे वो यहाँ पे, ये 87 थर्ड हाउस की, उसको कस्ब भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं और कस्ब भी कहते हैं, केपी में कस्ब कहते हैं, तो वहां कस्ब लिखा हुआ है। हाँ, तो ये तीसरे भाव की जो डिग्री है 87 डिग्री 42 मिनट देख रहे हैं, वहां लिखा है ना सबने, आपने देखा सबको मिल गया? हाँ सर मिल गया। दारोजी मिल गया आपको? मिल गया। हाँ राकेश जी आगे बढ़ूं, समझ में आ गया? अनम्यूट करें। हाँ सर जी, ये तो मिल गया, ये डिग्री वाला मिला है, मिल गया वाला। बस उतना ही अभी देखना है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अभी करना क्या है देखिए, आपको सबको पता है कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, सब जानते हैं ना जी। अभी हम पहले भाव को देखेंगे यहाँ, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस की डिग्री कितनी है? 35 तो जो भी डिग्री रहेगी यहाँ 35 है, आप कल दूसरा कोई चार्ट बनाओगे तो उसमें अलग भी आ सकती है ना जी। तो जो भी वो डिग्री रहेगी उसको हम 30 से डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो मैंने यहाँ एग्जांपल नीचे बताया था कि ये आपको दिख रहा है 30 35 डिवाइडेड बाय 30, आप मैन्युअली करें ऐसा तो देखिए क्या आएगा, 31 जा 30 आ गया जी, तो ऊपर एक आया ना 30 31 जा 30, यानी ऊपर एक आया और ये 35 में से हम 30 माइनस करेंगे ना, बराबर है जी दारू जी? हाँ जी सर। तो बैलेंस कितना बचा? शेष 5। अरे 5 डिग्री एक्स्ट्रा है इसमें, ये 5 बचा ना नीचे जी। अभी हमें क्या करना है, ये जो ऊपर आया ना जो एक जी, वो हमें राशि जो ऊपर देखे यहाँ लिखा है राशि, मैं आपको दिखा दू, यहाँ राशि लिखा है ना उसमें एक जो आया वो यहाँ लिखना है राशि में। अच्छा, क्या एक आया ना ऊपर जी, तो मैं एक लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। अब इसका एक नियम है, सब में ये लागू होगा, जो भी आता है ना उसमें +1 करना है हमें, जो भी आएगा ना, एक आए, दो आए, तीन आए, पांच आए, उसमें एक प्लस कर देना है, क्योंकि वो अच्छा। उतना पीछे इतना राशि वो चल चुका है, ये जो भाव है ना उतना चल चुका है, तो 1+1 करेंगे तो कितना होगा, यानी वो प्लेनेट एक हाउस चल चुका है ऐसा माने, वो भाव, हाँ 35 डिग्री है ना,
तो हम उसमें क्या करेंगे, जो भी आएगा ऊपर, अब डिवाइडेड का कल डिग्री अलग भी हो सकती है ना, तो जो भी वहां ऊपर आएगा उसमें हम एक प्लस करेंगे। ये एक नियम है, उसको आप नोट करके रखें। पहला नियम क्या है, जो भी यहां ऊपर आएगा उसमें आप वन प्लस करोगे हमेशा, जितना भी आया कोई भी हो तो कितना आया यहां हमारा, राशि कौन सी आ गई, दो आ गई, ठीक है, वो भाव उतना राशि चल चुका है, फिर इसमें हम एक एड करेंगे हमेशा, तो वन प्लस वन टू हो गया। तो देखिए टू हो गया ना, तो वो हमें भावचलित में देखना है, लिखना है, तो मैंने यहां लिख के रखा है भावचलित में फर्स्ट हाउस में, देखिए दो लिखा मैंने, जी सर दो लिखा। हाँ, आप भावचलित का एक खाली एक चार्ट बना के रखिए, प्लेन चार्ट, उसमें कुछ लिखे नहीं, अभी आप दो लिखे, मैंने यहां लिख के रखा है, मगर आप एक कुंडली बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिए भावचलित, प्लेन कुंडली बना लीजिए, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लग्न लिखना है, दो इस तरह से बना लीजिए, खाली प्लेन कुंडली बनाइए, लग्न में खाली दो लिखिए आप। जी सर लिख लिया दो सर। सब आराम से लिखे, हमें यही समझना है, इसमें मैं फास्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि यही बेस है, यही आपको समझ में आना चाहिए, ये नहीं आया तो केपी आप चुक जाओगे, इसलिए मैं इसको अब आराम से आपको समझा रहा हूं, आराम से समझिए। एक भाव चल, एक कुंडली आप बना लीजिए, उस पर लिख दीजिए भाव चलित। अब इसमें हम बारी बारी एक एक हाउस को भरते जाएंगे राशियां, पहले तो अभी दो आया ना फर्स्ट हाउस में राकेश जी, जी सर, तो हम दो लिखेंगे फर्स्ट हाउस में, जी सर, लिखा सबने, चारू जी, हाँ सर, अजी जी आप सुन रहे हो, जी सर सब समझ में आ रहा है सर, आ रहा है ना, तो हमने अभी दो लिख लिया, जी सर, तो ये ऊपर, ये जो अभी क्या करेंगे, जो नीचे बैलेंस जो शेष पांच बचा था ना, उससे हम लिखेंगे डिग्री में, यहाँ पे आगे फर्स्ट हाउस की डिग्री में लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो पांच है तो जीरो पांच हम यहाँ लिखेंगे उसके आगे, ये जो पीछे जो मिनट और सेकंड है ना उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज सब में लिख देंगे, ये जो है ना ये देखिए यहाँ, ये जो है ना मिनट और सेकंड जो 47 55 है ना, ये आपके उसमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, देखिए 47 मिनट 52 सेकंड, ये जो है ना इसको हम नहीं छेड़ेंगे राकेश जी, वो एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे सब में, पीछे जो भी है वो यहाँ, ठीक है जी सर। अभी फिर यहाँ हम डिवाइडेड करेंगे, जो शेष बचेगा उसे हम यहाँ डिग्री पे लिखेंगे, तो ये पांच डिग्री आ गई जी सर। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, या आप आपके चार्ट में भी देखिए, उसमें लग्न की डिग्री कितनी दी हुई है, एस्ट्रो सेज भी आप देखिए लग्न की डिग्री कितनी है, मैं यहां भी दिखाता हूं ऑनलाइन ऑन स्क्रीन भी आपको दिखाता हूं, ये पांच आ गए ना डिग्री लग्न की हमने निकाले ना अभी, ये सर लग्न की डिग्री 35.47 दी हुई है, वो है ना, अभी आप लग्न में पारंपरिक में जाओगे ना, लग्न की डिग्री सारे प्लैनेट की डिग्री भी वहां दी हुई है, तो यहाँ देखिए ये हमारा पहला भाव है, लग्न 5.5 का है ना, तो लग्न 5.5, देखिए इसमें इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर भी दिया है 5 डिग्री, दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 डिग्री, और मैं ये कस्प में भी आपको दिखाता हूँ, जो नीचे 1 से 12 कस्प दिए है ना, उसमें हमें पहले भाव के लग, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 5 डिग्री, जी सर, तो इस तरह से हमने डिग्री निकाल दी पहले भाव की, डिग्री भी ये सब 5 डिग्री पर एंटर हुआ है इसमें, हाँ जी 5 जो डिग्री है वो लग्न की डिग्री है, एंटर नहीं होता है वो, इसे जो 5 डिग्री जो है ना इसे मध्य भाव भी कहा गया है, लग्न का मध्य भाव है उस भाव का, वो हम आगे देखते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ जो प्लैनेट की बारी आएगी तब, तो ये जो लग्न की डिग्री आई यहाँ कितनी आई 5 डिग्री आई, तो वो जो लग्न की डिग्री होती है ना हर भाव में वो मध्य भाव कहा गया उसे, उसे भाव मध्य कहते हैं, वो राशि जो होती है वो भाव जो होता है उसका मध्य भाव होता है, और हर एक भाव का वो मध्य भाव रहेगा, सेंटर रहेगा वो, प्लीज म्यूट करें, आपके पीछे से कैसे आवाज आ रही है, मतलब हाँ तो हमने फर्स्ट हाउस का निकाला, फर्स्ट हाउस के हमने राशि भी निकाली 2 आई और डिग्री भी निकाली 5 आई, उसी तरह हम दूसरे भाव को अब देखेंगे, तो दूसरे भाव में कितना डिग्री है 62 है ना राकेश जी, सर 62 है सर, उसे हम 30 से डिवाइड करेंगे, आप सब करते आइए, यह मैंने एक लिया है देखिए यहाँ, जी सर 62 से हमने
30 को डिवाइडेड किया है तो 32 जा 60 आ गया जी सर। तो ऊपर कितना 2 आया और शेष कितना बचा बैलेंस 2 जी सर। तो हम यहाँ करेंगे 2+1 करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है 1+1 करना। 2+1 आ गया और नीचे क्या बचा 2 तो 0-2 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सर। हाँ सर 2 डिग्री हो गया। अभी आप आपके उसमें देख लीजिए कि दूसरे भाव में यहाँ देखिए भाव चरित में दूसरे भाव में राशि तीसरे नंबर की है ना देखिए यहाँ। हाँ ठीक है सर तीसरे नंबर की है। तो आप भाव चरित आपने बनाया ना उसमें 3 नंबर लिख लीजिए राशि। ठीक है सर भाव चरित बनाया ना उसमें और उसकी डिग्री कितनी आई आप भाव चरित में उसमें देखिए 2 degree 33 minute 45 seconds 2 डिग्री आई देखिए आप आपके चार्ट में एस्ट्रोसेज में देख लीजिए कि दूसरे भाव की डिग्री कितनी है 2 डिग्री है देख लीजिए है तो। हाँ बताइए सर दूसरे भाव की 62.33.45 है। हाँ नहीं वो तो है चार्ट चला गया उसमें से हमने निकाला। आप पारंपरिक में जाओगे ना जी उसमें क्लिक करके आप देखिए सारे डिग्री की सारे प्लैनेट की भी डिग्री दी हुई है उसमें और जिसके पास केपी स्टार वन वगैरह है वो उसमें देख लीजिए या और कोई सॉफ्टवेयर है जो डिग्री देखा था वो देख लिए। तो दूसरे भाव की डिग्री है ना वो 2 डिग्री है। किसी को देखा जिसकी ने देखा अभी चारू जी अजय जी देखा हाँ। आपने कितने आ रही है 62 आ रही नहीं 62 तो है 2.33.45 आ रही है लगने की तो हमने निकाल ली ना दूसरे भाव की मैं आपको बता रहा हूँ। आप केपी एस्ट्रोसेज में है ना नहीं, एस्ट्रोसेज में नहीं दिखा रहे हैं। एस्ट्रोसेज दूसरे भाव सर दूसरे भाव की डिग्री 2.4 आ रही है। आपने कैसे निकाली बताइए कहाँ से निकाली अजय जी आप बताइए सबको सर। यह हमारी सर वो जो जो डिग्री है सर 62 point something है जी उसको 30 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद वो तो वन आया वो तो समझ में आ गया। इनको दिखाना है कि 2 डिग्री कैसे है दूसरे भाव की। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप सर? अभी तो हम सर एस्ट्रोसेज खोले हुए हैं। अभी के एस्ट्रोसेज ने आपने खोल दिया ना इसमें राशि कुंडली आपको दिख रही है पहले सबने खोला जी सर। जी सर फिर देखिए लेफ्ट साइड में आपका स्क्रीन जो है ना इस तरह से है ना आपके पास ये मोबाइल हाँ जी सर। तो इसमें ऊपर कोने में देखिए लेफ्ट साइड में 3 लाइनें हैं ऊपर ऊपर कोने में देखिए ठीक है सर उसमें क्लिक करो तो ऊपर से आएगा होम बुकमार्क्स ये सब लिखा हुआ आएगा। हाँ पारंपरिक आ गया पारंपरिक आया ऊपर से तीसरा उसमें आप क्लिक करें पारंपरिक हमारे में नहीं आया आप में क्या होम आपने होम आया गया आप में होम तो आ गया सर। होम के नीचे क्या लिखा है होम के बाद आया सर नवीन कुंडली कुंडली खोले जब विवरण बदले कुंडली मिला उधर नहीं उधर नहीं उधर उधर नहीं जाना है आपको पहले आप राशि चार्ट खोलिए। हाँ वो लग्न चार्ट खोल लिया सर। हाँ आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड में मोबाइल आपकी तरफ रखिए लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड पे ऊपर कोने में 3 लाइन है देखिए ऊपर हाँ सर है लाइन है 3 उसको क्लिक करें उसी में तो आ रहा है सर होम नवीन कुंडली कुंडली खोले कुंडली मिलान राशिफल आ रहा है। कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके पास एस्ट्रोसेज सर? हाँ तो कुंडली खोली है ना नहीं कुंडली बनाई आपने कुंडली बनाई नहीं है तो खोलेगी कैसे? अरे बना ली 2 कुंडली हमने साहब एक बना ली कुंडली। मेरे में भी नहीं आता मुझे भी नहीं पता कैसे करना है। ये देखिए राकेश जी जी सर ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है सर दिख रहा है सर। हाँ ये लग्न चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ सर ये ऊपर क्लीन 3 लाइन है देखिए यहाँ पे कौन है ये क्लिक किया आपने क्लिक किया होम आया उसके नीचे बुक मार्क्स है अच्छा। उसके नीचे फिर आएगा पारंपरिक ये मैंने हिंदी में रखा हुआ है यहाँ देखिए ये पहले होम बुक मार्क्स फिर पारंपरिक आया आप में देखिए मेरे एप्पल का फोन है एंड्रॉइड में करके देखता हूँ एंड्रॉइड में आया हो सकता है फर्क हो। हाँ कीजिए एंड्रॉइड में
सबने किया आपने? सर एकदम सही आ गया सर, इसका डिग्री सर 2 आ रही है, 2.04 आ रही है। वो सबको दिखाना जरूरी है ना सर। ऊपर तीन लाइन है, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो आएगा जी सर, होम आएगा, बुकमार्क सेकंड, फिर बुकमार्क आएगा, फिर पारंपरिक आएगा तीसरे में, ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, निकुजी आ गया। यस सर। हाँ तो उसको होम पारंपरिक में क्लिक करोगे तो सारे नीचे देखिए डिग्री आएगी, ये नीचे नीचे डिग्री है यहाँ पे सब। अच्छा, लग्न की डिग्री भी उसमें दीजिए 5। हाँ, अच्छा। वो आ गया। हाँ। उसके बाद से उस प्लैनेट की डिग्री यहाँ दी हुई है सब सब। हाँ। सेकंड हाउस की कहाँ दीजिए सर? सेकंड हाउस की नहीं दिखती इसमें, अब प्लैनेट की डिग्री है ना यहाँ। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ लग्न की है ना, एक मिनट। अच्छा इसमें केपी में उसमें दिया हुआ है, इसमें कंपाउंड आ रही है, इसमें कंपाउंड डिग्री है, उसको जो निकालना है ना, मैंने आपको तरीका बताया ना, उसको 30 से डिवाइडेड करना है तो 2 आएगा बराबर। मैं आपको केपी में बताता हूँ, ये मैं आपको केपी में दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। सर चलित तालिका में आ रही है। आ रहा है ना चलित में? हाँ, हाँ, सर, हाँ, चलित, आ रहा है। हाँ, चलित चलित में आप जाओगे ना राकेश जी? हाँ, चलित तालिका में आ रही है। तो उसमें आएगा, अब आगे जाओ, आगे आगे चले जाओ। हाँ, आता है इसमें, आगे चले जाओगे ना उसमें आ जाएगा। ये देखिए चलित में जाओगे ना उसमें पूरा आएगा, डिटेल आएगा उसमें। समझाए सर, आगे चले सर, समझ लेंगे। दूसरे कस्प की डिग्री कितनी, मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट पे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अपने लग्न से आगे जाओ, लग्न से 9 मास में आगे जाओ। हाँ। फिर चंद्र आएगी, फिर चलित आएगी, कंपाउंड क्लाउड आएगा, फिर ग्रह स्थिति आएगी, ग्रह स्थिति सब आएगी और चलित तारीख आएगा। उसमें भी आप देख सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए केपी स्टार 1 में दूसरे भाव की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री आ गई बराबर है जी सर। तो अब जब हम कस्पी डिग्री निकालेंगे ना निकुजी, वो आप निकाल के ही रखना पहले से, अभी तीसरे भाव पे हम जाएंगे तो बार बार हमें बदलना ना पड़े। हाँ। ठीक है, आप तैयार रखिए वहाँ। मैं क्या हूँ, मैं फिर उसमें जा रहा हूँ ना वापस सॉफ्टवेयर में, तो मैं जो यहाँ लिखता हूँ ना वो पूरा निकल जाता है, सेव नहीं जी सर। हाँ, तो अभी आपको वहाँ निकालना है फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, तो मैं हमने अभी जो फर्स्ट हाउस का निकाला था 1+1 वो अभी आप निकाल के रखिए। सर जी, सर हमने थर्ड हाउस का निकाला सर, थर्ड हाउस का। एक मिनट हम लाइन से जाएंगे, एक मिनट। हाँ, हम लाइन से जाएंगे ताकि सबको समझ में आए। ये फर्स्ट हाउस का हो गया, अभी सेकंड हाउस हमने निकाला, 2+1 यानी 3 आ गया, तो तीसरे दूसरे भाव में आप तीसरे राशि लिखे सब, ठीक है? तो देखिए भाव चलित में दूसरे भाव में तीसरे राशि है लग्न, और डिग्री कितनी आ गई, 2 है, नीचे शेष 2 बचा ना जी सर, 2 बचा। अभी हम तीसरे भाव पे चलते हैं। हाँ, आप जो अभी निकुजी ने बताया ना वो आप निकाल के रखिएगा। तीसरे भाव में हम क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकली ये करें, डिग्री कितनी है, 87 है, देखिए राकेश जी। हाँ सर। तो 87 डिवाइडेड बाय हम 30 करेंगे जी सर, तो आप कीजिए कितना आ गया अभी अजय जी बताइए। नीचे बताएगा सर 27.3 आ गया सर, तीसरा भाव सर 3 आ जाएगा सर भाव में। नहीं नहीं, और ऊपर ऊपर कितना बचा ये बताइए पहले हमें, +1 2.9 आया। दो बार तो भाग गया सर, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 3 आ गया और 27 नीचे बच गया। हाँ, 27 नीचे। अरे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऊपर 2 आया तो हम 2+1 करेंगे ना राकेश जी। जी सर, जी सर, जी सर, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आराम से जाइए, आपने सब एडवांस किया हुआ है, कुछ लोग नए भी हैं। हाँ। ना सर, हम तो सीख रहे हैं सर, हमने ना यहाँ 3 आ गया ना, तो राशि तीसरी आ गई राकेश जी। जी सर, बराबर। तो हमने देखिए तीसरे भाव में राशि तीसरी आ गई जी सर, जी सर, और वहां देखिए लग्न चार्ट में 4 नंबर की राशि है, तो फर्क समझ में आया जी सर। अभी डिग्री कितनी है, नीचे कितना शेष बचा, 27 जी सर, 27। हाँ, तो हम लिखेंगे 27 डिग्री। अभी
जो पर सर एक्ट पर सर एस्ट्रो सेज में 28 डिग्री दिखा रहा है। हाँ वो डिग्री वाइज थोड़ा बहुत फर्क होगा, ठीक है सर। तो इसका 27 डिग्री मध्य भाग हुआ सर? नहीं नहीं, 27 डिग्री मध्य लग्न ही मध्य भाग रहता है सबका, सारे भाव का लग्न रहता है, लग्न कर डिग्री ही सब मध्य भाव रहता है, 12 का 12 प्लैनेट भाव की, मतलब जो 0.5 है लग्न की मध्य भाग, वही वो सेकंड भाव का होगा, वो थर्ड का, वो सबका यही चलेगा सबका। जो आपकी लग्न डिग्री होती है जिस समय आपका जन्म होता है वो जो होती है वो मध्य भाव कहलाता है, सारे के सारे भाव के वो मध्य भाव है। अच्छा, तो आपने ये चलित में देखा जी, निकाला ना सब, निकु जी ने बताया जो चलित चलित में आप जाओगे ना तो उसमें आपको भाव के भी वो मिलेंगे। देखिए भाव का जो है पहले भाव का, हाँ अभी तीसरे में आया, राशि आ गई मिथुन तीसरे में, और डिग्री यहाँ 28 दिखा रहा है इसमें, तो प्रैक्टिकल 27 आती है, 28-20 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक डिग्री का हर एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, हमने केपी स्टार 1 से बनाया हुआ है डिग्री ये पूरा, तो एक डिग्री आधे डिग्री कहीं कुछ फर्क रह गया होगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़े, ये जी सर, अभी हम चौथे भाव को लेते हैं, तो चौथे भाव की डिग्री कितनी है अजय जी? 114 जी सर। जी सर पूजा जी, तो 114 को आप डिवाइडेड 30 से कीजिए जी, तो 3.something, तो 3 आ गया जी सर, हाँ तो 3 आ गया, तो 3+1 करेंगे हम जी, तो 4 हुआ जी, हाँ तो राशि कौन सी आ गई? 4। तो हमने तो फोर्थ हाउस में हम क्या लिखेंगे? 4 नंबर की राशि जी, ये दिख रहा है आपको 4 नंबर फोर्थ हाउस में किस तरह से आ गया जी सर। हाँ जी सर। अभी डिग्री नीचे बैलेंस कितना? 24 बचा, हाँ जी सर। तो अभी वहां हम 24 लिखेंगे। अभी आप देखिए एस्ट्रो सेज में भी देखिए कितना आ रहा है चौथे भाव का, 24.36 आ रहा है। हाँ सर, क्लियर जी सर, सबको समझ में आ रहा है? Yes, हाँ शशिकांत जी, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर समझ में। हाँ आप बोलते रहिए, नहीं तो आप पीछे छुप जाओगे फिर, सब बोलते रहेंगे आप सब। हाँ आप भी बोलते रहिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ठीक है सर, ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं पांचवें भाव की ओर, पांचवें भाव की डिग्री कितनी है? 145 अजय जी सर। हाँ तो 145 को डिवाइडेड 30 से करें। 4 टाइम गया, 4+1, तो 4+1 करेंगे जी सर। शशिकांत जी क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? 4+1 क्यों किया? हाँ तो 5 आ गया, इससे डिवाइड करके आ रहे हैं। हाँ जी, तो 5 आया ना। अब बैलेंस कितना बचा नीचे? 25 हम 25 डिग्री लिखेंगे। 25 है, सीएम है, देखिए अच्छी तरह। यस सर, सिंह राशि में देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप, 145 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ रहा है देखिए, चेक किया 25 है। हाँ सर इतना ही आएगा सर, मुझे थोड़ा आगे पीछे लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। अजय जी एक बार चेक कीजिए, शशिकांत जी नीचे बैलेंस बैलेंस कितना बचा वो देखिए आप नीचे। सर 25 डिग्री आ रहा है सर, फिफ्थ हाउस 28 बता रहा है। हाँ नहीं, आ कितना रहा है, मैन्युअली कितना रहा है वो बता रहा है। 25 आ रहा है, 25 बराबर है, आपने चेक किया बराबर। हाँ तो दो डिग्री का फर्क होता है? हाँ हो सकता है, 1.5 डिग्री 2 डिग्री का डिग्री, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत रहता है, पर हम मैन्युअली निकालेंगे, ये हम जो निकाल रहे हैं वो करेक्ट इस हिसाब से, हमें फॉर्मूला समझना है यहाँ। हाँ अभी राशि कौन सी आई पांचवे भाव में? 5 नंबर की आई, 5 नंबर। तो हमने देखिए पांचवे भाव में 5 नंबर लिखा यहाँ, देखिए आप भी 5 नंबर लिखिए आपके भाव चलित चार्ट आप जो बना रहे हैं उसमें, और डिग्री आई 25, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते छठे भाव की ओर, तो छठे भाव में की डिग्री है 180 कंपाउंड जो है वो 180 से आप डिवाइड कीजिए 6 को, 6 और 1 7 हो गया सर, 7 नंबर आ जाएगा। हम क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे, 6+1 7 हो गया, तो राशि 7 भी आ गई, डिग्री 0
हाँ तो सातवीं राशि आ गई और बैलेंस कितना बचा? जीरो जीरो आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ, हाँ तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जीरो जीरो डिग्री 51 मिनट 50। हाँ बराबर। हाँ तो ये सॉफ्टवेयर है, दोनों सॉफ्टवेयर में एक दो डिग्री का कोई फर्क है, टाइम पे मैन्युअली उनका जो होगा वो कैलकुलेशन में। तो ये देखिए अभी यहाँ सीधी छठी राशि आपको दिखाई दे रही है कहीं पे राकेश जी? नहीं ना दिख रही साहब। हाँ तो देखिए आपको अभी समझ में आया, पांचवी भाव में पांचवी राशि है और छठे भाव में सातवीं राशि कैसे आ गई, तो वो डिग्री वाइज कैलकुलेशन है वहां। तो वो सीधी सातवीं राशि आ गई छठे भाव में जी, क्योंकि तो जीरो डिग्री है वहां। अभी हम आगे बढ़ते हैं सातवें भाव में, सातवें भाव की डिग्री कितनी है 215, तो डिवाइडेड बाय 30 ऊपर कितना आया? 8 आया ऊपर, 7 आया, 7 7 आया, 7 आया। हाँ 7 आया ना, 7+1 करेंगे हम जी, तो 8 हो गया जी। तो सातवें भाव में आठवीं राशि नंबर आ गई जी, तो आप सातवें भाव में 8 नंबर लिखिए आपने जो बनाया हुआ है जी। और डिग्री में कितना बैलेंस बचा नीचे, शेष क्या बचा? 5 डिग्री 47 मिनट 5 डिग्री ना सर, 5 डिग्री बचा, 5 डिग्री लिखिएगा 5। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है। अभी हम चलते हैं आठवें भाव की ओर, आठवें भाव की डिग्री कितनी है 242 जी सर, डिवाइडेड बाय 30 जी, बताइए। 8 बार चला गया 24 हाँ तो राशि कौन सी आ गई, 9वीं, और डिग्री कितनी बैलेंस बची नीचे? 2 डिग्री 33 बची ना, तो हम क्या लिखे 02, ये 2 डिग्री आ गई। ठीक है तो हम देखिए आठवें भाव में 9वीं राशि आ गई हमने लिख दी सर, तो आपके उसमें भी आप लिखिए 9, आप फिलअप करते जाइए चार्ट को। अभी हम चलते हैं 9वें भाव की ओर, 9वें भाव में आप देखिए कितनी डिग्री है, 267 डिग्री है 9वें भाव की जी, डिवाइडेड बाय 30 8 से करेंगे ना, तो 8+1 होगा जी सर। पूजा जी समझ में आ रहा है ना, तो 9 आया ना। अब बैलेंस, हाँ नीचे कितना बैलेंस बचा रिमाइंडर? 27 कितना? 27 हाँ तो 27 27 ना, हाँ 27 हाँ जी, हाँ तो हम यहाँ लीजिए 27 डिग्री आ गई बराबर है। तो हमने ये 9वें भाव में देखिए 9वीं राशि है, तो दो बार 9वीं राशि आ गई ना राकेश जी यहाँ जी सर, क्यों आई समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब चलते हैं 10वें भाव में कितनी डिग्री है, 294 जी, डिवाइडेड बाय 30 तो 9 तो 27 9 से हो गया, 9+1 होगा सर, 10वीं राशि 24 डिग्री हाँ, तो 9+1 10 हो गया जी, और बैलेंस कितना बचा अजय जी? 24 बराबर। तो ये देखिए आप 10वें भाव में कौन सी राशि आ गई, 10वीं आ गई जी। आगे बढ़े 11वें भाव में जी, कितनी डिग्री है 325 जी सर, डिवाइडेड बाय 30 तो 10 जी, तो 10+1 होगा जी सर, 11वीं राशि 25 डिग्री 11वीं राशि आ गई ना यहाँ देखिए सर, और 10 के बाद सीधे 11वें भाव में 11वीं राशि आ गई, और डिग्री कितनी आ गई 25 तो यहाँ आ गया 25 डिग्री। अब हम चल 25 लिख दिया हाँ, अब आज चलते हैं 12वें भाव में, डिग्री कितनी है 12वें भाव की? 0 राकेश जी जी,
तो पहला भाव आ गया, पहली राशि। डिग्री कितनी है? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री है जी। तो ये हो गया। तो ये इस तरह से हमने 12 भावों को चेक किया और 12 भावों को हमने राशि राशि निकाल दी। अभी हमने 12 भावों की कौन सी राशि कहाँ आती है? अब ये सर, ये सब 12वें हाउस की 0 डिग्री से क्या आशय हुआ? 12वें हाउस की 0 डिग्री से क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? यानी पहले मेष राशि वहीं से शुरू होगी ना जी, और लग्न की मध्य भाव क्या है? 5 डिग्री है जी। तो ये जो 12वां भाव है ना, वहां पे वहां से मेष राशि शुरू होगी, वहां से। अच्छा, तो ये हमने अभी 12 भाव देख लिए। यहाँ पूरा 12 भाव को हमने निकाल के देखा। 12 भाव में राशि अभी हमने बिठा दी, कौन सी राशि कहाँ आती है एज पर डिग्री, मैन्युअली निकाल के देखा हमने। तो ये हमने राशियां बिठा दी पहले, तो हमने आधा काम कर लिया राशियों का। अभी प्लैनेट की बारी है। अब ये प्लैनेट भी देखिए मूव करते हैं ना, ये मार्स से देखिए फोर्थ हाउस में है। तो यहाँ पे केपी चार्ट में आप देखोगे फोर्थ हाउस में यहाँ थर्ड हाउस में है। तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? यहाँ देखिए जुपिटर और सूर्य सातवें भाव में चार्ट, लग्न चार्ट में, यहाँ छठे भाव में आ गए। तो अभी हम प्लैनेट को देखेंगे। अब तक हमने क्या देखा? 12 भावों में कौन सी राशि कहां पर आती है वो हमने देखा। अभी हमने राशियों का कैलकुलेशन किया है अब तक। अब हम देखेंगे प्लैनेट को।